जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा मैं एक इंच जमीन भी नहीं दूंगा और अमित शाह से मिलने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट में हमारा ऐसा है कि अमित शाह जी जिसके गृहमंत्री है कल महाराष्ट्र के सांसद शिवसेना के और एनसीपी के और कांग्रेस के गृहमंत्री जी को मिले हैं और मध्यस्थता करने की बात हुई है, लेकिन आपके एक मुख्यमंत्री आपके पार्टी के अगर गृहमंत्री अमित शाह जी को मानने को तैयार नहीं उसका मतलब क्या है? ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस देश में अमित शाह जी की बात मैं नहीं मानूंगा ऐसा उनका मुख्यमंत्री बोल रहा है। उसका मतलब ऐसा है कि ऐसी एक शक्ति है जो महाराष्ट्र को अपमानित करना चाहती है और उसे पूरा समर्थन कहाँ से मिल रहा है, लेकिन हम देख लेंगे। ये बात इंच की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसका मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। सर, चंद्रकांत दादा पाटिल का जो बयान आया उस पर क्या? चंद्रकांत पाटिल ने तो डॉक्टर आम्बेडकर को भिखारी कहा, महाराष्ट्र के इस मंत्री ने महात्मा फुले को भिखारी कहा। जिस पार्टी के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान करते हैं, ज्योतिबा फुले का अपमान करते हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? डॉक्टर आम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, कर्मवीर भाऊराव पाटिल हो, उसने लोगों से पैसा जमा किया है, जरूर किया होगा, लेकिन उस पैसे से बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस बनाए गरीबों के लिए, दलितों के लिए। आप उसको भीख बोलते हो, मुझे लगता है ये सरकार भीखमंगी है। जीएसटी का पैसा जो नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार से, जो पैसा नहीं, उसको लेके पूछना चाह रहे क्या कि ममता बनर्जी ने विरोध किया या सामना में आपने लिखा है? लिखा है ना, मेहरबानी, जैसे हम मेहरबानी करते हो, भीख देते हो, इस तरह से हमारा पैसा वापस दिया जाता है। हमारा पैसा है, ठीक तरह से दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।